नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में फिर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले युवक शेखर ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि कपिल गवरी नामक युवक द्वारा उन्हें निवेश के नाम पर लाखों रुपए ले लिए और पैसा डबल होने की बात भी कही। कपिल के झांसे में आकर शेखर द्वारा पैसा निवेश कर दिया गया। तय समय में भी जब शेखर को मुनाफा नहीं मिला तो शेखर ने थाने पहुंचकर आरोपी कपिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कपिल गवली की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कपिल गवली के खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में भी मामले दर्ज हैं। फरियादी शेखर पिता रामदयाल जाटव ने थाने पर आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने लेख किया कि कपिल गवली द्वारा उनसे निवेश के लिए कि पैसा डबल हो जाएगा 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिस पर थाना छत्रीपुरा पर 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी वर्तमान में फरार है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में थाना अन्नपूर्णा पर भी अपराध पंजीबद्ध है। किस प्रकार का लालच दिया गया था कि शेयर मार्केट में पैसे डबल करके आपको रिटर्न करूँगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और